नमस्कार, निशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। पटना शहर के जगनपुरा में विस्टा हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के कर कलमों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और रिबन काटकर किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर, IGMS के सुपरिटेंडेंट सुधीर कुमार, परमालॉजिस्ट अमरेंद्र कुमार, गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत कुमार निराला, वार्ड पार्षद पिंकी यादव, MLA डॉक्टर ऋषि योगी उपस्थित रहे। बिहार का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एक छत के नीचे सारी सुविधाएं का सेवा उपलब्ध है, जिसमें ICU, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, डिलक्स रूम, डायलिसिस यूनिट, डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, EEG इत्यादि अनेक आधुनिक मशीन की सेवा 24 घंटा यहां उपलब्ध है। गरीबों के इलाज के लिए भी यहां सेवा उपलब्ध है, जिसमें सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा गरीबों का इलाज यहां किया जाता है। इसके द्वारा कॉर्पोरेट सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें सरकार द्वारा कार्ड और कैशलेस के द्वारा इलाज किया जाता है। पटना का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें नामी गिरामी डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है। हमारी प्राथमिकता मरीजों को सेवा सर्वप्रथम किया जाता है, जिसमें मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। विस्टा हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विश्वनाथ कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार अमर, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा के साथ साथ वार्ड पार्षद पिंकी यादव, वार्ड पार्षद माला सिन्हा एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष अनामिका सिंह भी मौजूद रही। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार। डॉक्टर विश्वनाथ जी को शुभकामना देता हूँ और उनकी पूरी टीम को भी साथ साथ शुभकामना देता हूँ कि आप जिस मनोभाव से इस विस्टा हॉस्पिटल का निर्माण किया है उसमें आप कामयाब हो। इसलिए कि आपने पहले ही कहा है कि स्वास्थ्य सेवा है, व्यवसाय नहीं है। इस आपके उच्च विचार को हम साथियों से स्वागत करते हैं। मन पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र बाबू, डॉक्टर सुधीर जी, यहाँ डॉक्टर मनीष मंडल जी, हमारे जितने छोटे भाई माननीय विधायक ऋषि जी, यहाँ के माननीय विधायक वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी, डॉक्टर राजीव जी समेत उपस्थित सभी यहाँ हमारे माननीय डॉक्टर गण, प्रेस के बंधु, हमको आप आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, दो बातें हैं हम लोगों के पास। अगर कोई सबसे ज्यादा व्यग्र, बेचैन और व्यथित होकर आते हैं और हमारे पेशेंट के कोई ना कोई परिवार वाले होते हैं, आपसे हम लोग भी अपने जीवन का एक सबसे जो अधिक सेवा देने का जो हम लोगों ने दायरा रखा है या मन बनाकर रखते हैं करते हैं, वह होता है पेशेंट को चिकित्सा, अच्छे चिकित्सकों के पास भेजना, अच्छे अस्पताल में भेजना, और अगर कोई गरीब पेशेंट है तो उसको मदद करना, और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल सामर्थ्य है तो उसको कम पैसे में इलाज करना हम लोगों के स्वभाव में है। हम लोग अपना भी सही